नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल में। मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस तरह का कार्टून कैरेक्टर आप फोटोशॉप में कैसे बना सकते हैं। तो आइए चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हम इस इमेज को डाउनलोड किया है इस वेबसाइट से, vectorstock.com की साइट से। आप यहाँ से कोई भी एक इमेज पर सिलेक्ट करके डाउनलोड JPG प्रीव्यू इमेज पे क्लिक करेंगे तो इमेज ऐसे डाउनलोड हो जाएगा। तो उसी इमेज को हमने फोटोशॉप में ओपन किया है। तो इस तरह का कैरेक्टर, कार्टून कैरेक्टर हम फोटोशॉप में कैसे बना सकते हैं, तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे रेक्टेंगुलर मार्की टूल। हम जिस भी इमेज को सिलेक्शन करना चाहे वो कर सकते हैं। हम इस इमेज को ट्रेसिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए हमने इतना हिस्सा सिलेक्ट कर लिया। उसके आगे एडिट में आके कॉपी में क्लिक करें, उसके बाद आप न्यू पे जाके फाइल के अंदर नया सा एक डॉक्यूमेंट्स पे इस इमेज को ओपन करें। तो यहाँ से इसका विड्थ एंड हाइट एंड रेजोल्यूशन ऑटोमेटिक सेट हो गया है। यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करें तो यहाँ पर एक नया डॉक्यूमेंट्स ओपन होगा। इसके अंदर कंट्रोल भी करने से जो हमने कॉपी किया था वो से यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो इसके बाद हमें इसका ट्रेसिंग करना है। तो ट्रेसिंग जैसे आपको पता होंगे कि जैसे हम जो तस्वीर निकालते हैं जैसे मोबाइल से लेते हैं तो वो रास्टराइज इमेज होता है। जैसे कि वो एक लिमिटेड पीरियड के अंदर, मतलब वो अगर उसका जूम करेंगे तो वो पिक्सेलेट होने लगता है। लेकिन इस वेक्टर इमेज में क्या होता है कि जैसे आप जितने भी से जूम करें इसका इमेज का कोई क्वालिटी ख़राब नहीं होता। ठीक है, तो हम ऐसे इसको कैसे कर सकते हैं फोटोशॉप में, तो चलिए दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आज आपका जो इमेज है इस इमेज ऊपर वाला लेयर में रहे और नीचे से आप काम शुरू करें। इसे पेन टूल से आप शुरू करें। इसको करने के लिए पी से पेन टूल सिलेक्ट होता है। उसके बाद आपका सबसे पहला काम है इसका हेयर का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो आप ऐसे क्लिक करके सिलेक्शन बना लें। ठीक है, सिलेक्शन बना लें ऐसे। आशा करता हूँ कि आपको पेन टूल चलाना आता है, नहीं तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था इससे पहले कि जैसे पेन टूल को कैसे चलाना चाहिए, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो ऐसे हमने, ठीक है, ऐसे क्लिक करें तो हमने इसका सिलेक्शन बना लिया। जो मतलब आपको अच्छा तरीके से सिलेक्शन बनाना पड़ेगा कि जैसे सिलेक्शन की उस गड़बड़ी हो गया है कि कुछ ठीक नहीं बना है। तो इसके लिए आप ऐसा काम कर सकते हैं कि डायरेक्ट सिलेक्शन के टूल में जाके यहाँ से आप सिलेक्शन को जहाँ पर भी ऊपर नीचे हो गया है तो वहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने कीबोर्ड में ऑल्ट प्रेस करेंगे तो ये सिंगल स्लाइडर को ऊपर आप काम करेंगे तो इतना हिस्सा ही इसमें ऊपर नीचे ऐसे हो पाएगा। तो हमने इतना हिस्सा कर लेने के बाद, और आपको ध्यान में रखना है जब भी आप ये पेन टूल से सिलेक्शन करें तो आपको यहाँ से ये जो सिलेक्शन है मोड को पाथ में रखना है। ठीक है, और बाकी जो कि जो भी है वो वैसे ही रहने दे। उसके आगे आपको करना क्या है, सॉलिड कलर में जाना है। उसके बाद इस कलर पिकर से इसको क्लिक करके कलर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप देख सकते हैं हमने हेयर का सिलेक्शन बना लिया, तो हेयर ऊपर में है। तो उसके बाद हम फिर से एक नया लेयर लेना है। उसके बाद इस जो हमने काम किया था अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, जैसे हमने इसका ऊपर काम किया इसका सिलेक्शन रह गया है। हम अगर दूसरी लेयर पे जाएंगे तो उसके बाद इसको अगर डिलीट नहीं करेंगे तो इसका जो सिलेक्शन है उसके अंदर चला जाए। तो इसके लिए आपको कंट्रोल इंटर से डिसलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तब ऐसे कर ले तो दूसरी लेयर पे बना के आप दूसरी लेयर पे आ जाए। उसके बाद हमें इसका फेस बनाना है। तो ऊपर वाला लेयर को ऑन रखें, उसके बाद आईबॉल को ऑन करके रखें और उसके बाद यहाँ से इसका फेस का सिलेक्शन बना लें। ठीक है, तो मैं फेस का सिलेक्शन फटाफट बना रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे करें, ठीक है। आप जितना भी कम मतलब एंकर पॉइंट बनाएंगे तो उतना अच्छा ही है।
सिलेक्शन कहला जाता है। तो जैसे हमने इसमें गलती हो गया है, कंट्रोल जेड से बैक स्पेस होता है, तो कंट्रोल जेड करेंगे कीबोर्ड से तो ये बैक स्पेस मतलब पीछे एक स्टेप ले चलेगा आपको। तो हमने इतना बना लिया, उसके बाद हमें इतना हिस्से का बनाना है, ठीक है। इसके अंदर भी चला जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसके अंदर क्लिपिंग मास्क कर लेंगे, ठीक है। इतना हिस्सा कर लेने के बाद आप फिर से आइए स्लाइडर पे, यहाँ से सॉलिड कलर में जाइए, उसके बाद कलर पिकर से कलर पिक करें, उसके बाद यहाँ से को इतना भर दे, ठीक है। देख सकते हैं इसके अंदर चला गया। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हेयर बलर्स पार्ट को ऊपर में रखना है, तो इसके अंदर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, ऊपर वाला हेयर जो ऊपर में चला जाएगा वो नीचे में चला जाएगा। तो ऐसे में आ गया, तो ठीक है, हमने कंट्रोल एंटर डिसलेक्ट कर लिया। तो उसके बाद इसके ऊपर आग बनाना है। ओके, हमने कौन से लेयर के ऊपर काम किया है, ये ऊपर वाला हेयर लेयर है, तो हमें इसके ऊपर आना है, इसके ऊपर हमें आग बनाना है। एंटर करें, फिर से वाला ऊपर वाला की आईबॉल ऑन करें, उसके अंदर इस वाला आइकन पे आइए, रेक्टेंगुलर के अंदर एलिप्स टूल मिलेगा, इसके अंदर आप इसका कलर सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप शीट प्रेस करके, नहीं शीट नहीं, ऐसे ही आप बना लें, ठीक है। आपने बना लिया, तो जैसे इसके बाद इसे बंद कर दें, ठीक है। बंद कर देने के बाद दूसरा एक बना ले, ऑल्ट प्रेस करेंगे तो इसका एक कॉपी बन जाएगा। तो हमने दोनों बना लिया, उसके आगे आप ऐसा करके फिर से एक नया लेयर ले, उसके आगे आप आईब्रो को बनाने के लिए आप ऐसे पेन टूल से सिलेक्शन कर इसे, ऐसे 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 और ऐसे, तो ऑल्ट प्रेस करके आप इसका जो कि अगर दो स्लाइडर चल रहा है तो ऑल्ट प्रेस करके अपने कीबोर्ड में तो इसको आप एडजस्ट करें। आपका हाथ हमेशा वॉल्ट के प्रेस आपका ऑल्ट के पास होना चाहिए, आप जिस पेन टूल से अगर काम कर रहे हैं तो ऑल्ट के पास होना जरूर चाहिए। तो उसके बाद इसके इसके अंदर भी फिर से आप सॉलिड कलर से इस कलर को फिल कर ले, ठीक है। तो हमने फिल कर लिया, तो उसके बाद इसको आई बॉल को बंद करके देखिए कैसा बना है, कंट्रोल एंटर से डिसलेक्ट कर ले, ठीक है। तो हम फिर से ऑल्ट प्रेस करके इसका कॉपी बना लेता हूँ, ठीक है। कॉपी बना लिया, इसका एंगल हमें सही करने इसके लिए कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसके आगे फ्लिप हॉरिजेंटल क्लिक करेंगे तो हॉरिजेंटल में बदल जाएगा। तो हमने इसको सेट कर लिया है, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा इसका अनुसार, आपको ऑपासिटी कम करके भी देख सकते हैं, सॉरी इस वाला आइकन को ऑपासिटी कम करके देखिए, एंगल सही बन रही है गलत, तो ठीक है। हमने इसको ऑन रखा है, ठीक है। अब इसके ऊपर काम करते चले जाए, तो अभी हमें आना है। ओके, हमने इसके ऊपर काम किया है, तो ओके, तो हमें इसके ऊपर इसका गाल बनाना है। तो पेन टूल से फिर से सिलेक्ट करें और इसे इसे ऐसे करके पेन टूल से इसे ऐसे बना ले, ठीक है। अगर कुछ भी गलती हो गया, डायरेक्ट सिलेक्शन में जाइए, सिलेक्शन के अंदर यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, जिस भी पार्ट को आपको सीधा और सही करना है। अगर एंकर पॉइंट बनाना चाहते हैं, जैसे इसके अंदर एक एंकर पॉइंट बनाना चाहते हैं, जस्ट सेकेंड, एंकर पॉइंट की ज़रूरत है नहीं, अभी आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, पकड़ के। तो हमने इसके अंदर फिल करना है व्हाइट कलर, तो सॉलिड कलर में जाएंगे तो व्हाइट कलर को यहाँ पर बैठा दे, ठीक है। हमने बिठा दिया, तो आपको यहाँ पे भी क्या करना है, आपको जाना है नीचे वाले लेयर पर, इसके दाढ़ी जो दिख रहा है तो वही हमें बनाना है। कंट्रोल डी टी से कंट्रोल एंटर एंड डी सिलेक्ट कर देंगे सिलेक्शन को, ठीक है। उसके आगे आपको आना है फेस वाले लेयर पे, उसके बाद आने के बाद यहाँ से फिर से एक नया लेयर ले, उसके बाद ऐसा करें कि जैसे यहाँ से सिलेक्शन बना ले, यहाँ से सिलेक्शन सॉरी सिलेक्शन बना ले, यहाँ से ऐसे 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 बाहर जाने जाए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम उसके आगे इसको क्लिपिंग मास्क में बदल लेंगे। तो इसके आगे आप ऐसा करें कि जैसे
सॉलिड कलर में जाइए, इसके बाद इसका यहाँ से कलर चूज कर ले, ठीक है, ओके करे। तो उसके बाद इसके अंदर ऑल्ट प्रेस करके क्लिपिंग मास्क कर ले, ठीक है। तो अब बंद करके देखिए कैसा बना है। तो अभी प्रॉब्लम है इसके अंदर, मैं बता रहा हूँ क्या प्रॉब्लम है। हमने ओके क्लिपिंग मास्क नहीं करता, ओके। तो हमें क्या करना है, तो हमें इस वाला लेयर को हम डिलीट कर देता हूँ। तो हमें काम करना है कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म डी सिलेक्ट। तो इसका जो कलर है हमें पिकअप कर ले लेना है, जिस भी कलर के ऊपर आप काम करना चाहे उस कलर को आप रख ले, ठीक है, ओके ओके। काम कर ले, ऐसे काम कर ले इस तरह से। तो इसको काम कर लेने के बाद आपको यहाँ से आप आ जाइए नीचे वाला लेयर पे। आपको एफएस का जो काम है ऊपर में हो गया है, तो उसके बाद आपको आना है नीचे वाले लेयर पे। तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं, इस वाला आईबॉल को बंद करके देखिए, आपका डायरेक्ट सिलेक्शन सॉरी ऑटो सिलेक्शन टूल में क्लिक करेंगे, उसके आगे आप उस पर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो ले आएगा लेयर के ऊपर कौन सी लेयर है। तो उसके बाद आप नीचे एक लेयर लेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो नीचे का एक लेयर ले जा सकता है। तो उसके आगे आप आइए, ऊपर वाला लेयर के आई बॉल को ऑन कीजिए, पेंट टूल से फिर से इसे बनाए, ऐसे क्लिक करके ऐसे सॉरी बाहर से कर ले, ऐसे बाहर से कर ले, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे बना ले, ऐसे ऐसे बना ले। तो इस स्लाइडर को आपको ध्यान में रखना है कैसे काम करता है ये स्लाइडर। अगर ये ऊपर में जाएगा तो नीचे में एंगल करेगा, लैंगेज वाइज लैंगे एंगल के पोजीशन में काम करता है। अगर इसको इस वाला स्लाइडर नीचे जा रहा है तो इसका मतलब ये ऊपर में आएगा, ठीक है, नेक्स्ट एंगल। तो ऐसे इसके ऊपर ऑल प्रेस करने क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मुझे इसको सही करना है, ठीक है, हमने कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ आना है, ठीक है, ये दरअसल बनाया जाता है इलस्ट्रेटर में। मैं आपको फोटोशॉप में दिखा रहा हूँ कि जैसे फोटोशॉप में आप कैसे बना सकते हैं। जैसे हम फोटोशॉप में ज़्यादातर जो इमेज के ऊपर काम करते हैं वो रास्टराइज इमेज होते हैं, ठीक है, फोटो एडिटिंग बहुत से काम किया जाता है फोटो के इमेज के ऊपर। अगर कोई भी कैरेक्टर के ऊपर काम करना है तो हमें प्रेफर करते हो कि इलस्ट्रेटर पे आप करें। तो हमने इसको मिला दिया, उसके बाद यहाँ से सॉलिड कलर में जाएंगे और इसके बाद कलर इसको चूज करके ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा। तो ठीक है, चलो इसको हमने कर लिया, तो इसको बंद करके देखिए कैसा बना है। अजीब सा लग रहा है देखने में, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर इसका शार्ट लगा देते हैं, तो जिस भी लेयर के ऊपर काम किया है उसके ऊपर एक फिर से नया लेयर ले, इसके आगे आप इसका शार्ट बना ले यहाँ से फिर से, ओके यहाँ से, ओके
सॉलिड कलर में जाइए, यहाँ से इस रेड कलर को चूज कर लें, ठीक है, कंट्रोल एंटर डी सिलेक्ट, ऐसे कर लें तो ऐसे देख सकते हैं हमने इसका शर्ट टी शर्ट बना लिया। इसके आगे आप यहाँ पर एक देख सकते हैं इस तरह का कुछ कॉलर है, तो इसके लिए आप ऐसा करें कि इसके नीचे एक लिया ले, ऊपर में ना ले, नीचे से बनाए, तो ऐसे बना ले, नीचे से क्या बनाए पता नहीं चलेगा क्योंकि आपको समझना पड़ेगा फोटोशॉप का लेयर कैसे काम करता है, ठीक है। आप इसके नीचे काम करेंगे तो ऊपर वाला ढक जाएगा, और नीचे से काम करेंगे तो ऊपर और नीचे, ये हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कैसे काम करता है। तो आपको ऐसे प्रैक्टिस करने से पता चल जाएगा कि कैसे फोटोशॉप का लेयर काम करता है। तो ऐसे ही हमने इसको भी फिल कर लिया इस कलर से, कंट्रोल इंटर डी सिलेक्ट, तो हमने इसका कॉलर भी बना लिया। तो इसके आगे अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे इस इमेज में आइकन नहीं है, आई का हेयर भी नहीं है, हमने कुछ पार्ट को छोड़ भी दिया है, तो इतना मैं ही बताऊंगा, इसके आगे नहीं बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो बहुत लंबा बन रहा है क्योंकि मैं नहीं चाहता वीडियो बहुत लंबा बने, तो आपका इंटरेस्ट भी खो जाएगा। तो इसके ऊपर में आपको आईबॉल लेना है, तो एलिप्स में आइए, ऐसे कलर पिकर से कोई भी एक कलर चूज कर ले उसके आगे आप ऐसे करके ड्रैग करके आई का बॉल बना ले, ओके। तो दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, तो चलो मैं ऊपर ले जाता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर इस लेयर के ऊपर काम किया इसलिए ये ढक गया है, तो इसके ऊपर हमने ले आया। तो हम ऐसा करते हैं, ऑल्ट प्रेस करते हैं, सबसे पहले इसको ऑटो सिलेक्ट क्लियर कर अनचेक कर देते हैं। ऑटो सिलेक्ट अगर ऑन रहेगा तो जिसके ऊपर भी काम कर मतलब मूव टूल का सिलेक्शन होगा वही टूल पर वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कुछ इस्तेमाल खराब भी होता है, तो आपका रिक्वायर के अनुसार इसको यूज करें। जैसे देख सकते इसका आंखों के आइकन भी बना दिया, नोज के आइकन भी बना सकते हो, फिर भी मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में इतना ही रहे। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में जो कुछ भी बताया आपको समझ में आया है। आप इसको इसी तरह से आप ट्रेसिंग करें, ट्रेसिंग एक बहुत बड़ा काम है, आप पेन टूल से ज़्यादा आप इसे प्रैक्टिस करें, क्योंकि पेन टूल ही एक ऐसा टूल है जो आपको फ्यूचर में बहुत आगे तक ले जाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में अपने आप मतलब हमने इतना जानकारी आपको दी है कि आपको समझ में आया है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दूसरी क्लास में ले आऊँगा कोई दूसरा एक वीडियो, तो धन्यवाद।